नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 16 नवंबर को बिहार में सरकार का गठबंधन हुआ, उससे पहले 10 नवंबर को चुनावी नतीजे सामने आए। सरकार का गठबंधन होने से पहले ही 5 दिन का समय लगा। 5 दिन बाद सरकार का गठन हुआ, उसके बाद नीतीश कुमार को करारा तगड़ा झटका भी मिला। क्या है आगे की बात हम जानते हैं। लाल चौधरी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और लगातार विपक्ष इस मसले को पहले दिन से उठा रहा था जब उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली थी। नमस्कार, मैं हूं तोरण और आप देख रहे तत्काल न्यूज लाइव। वर्तमान समय के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उस समय बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे। उन्होंने एक सदस्य कमेटी बनाई और उसके बाद जांच कराई तो पता चला कि वाकई में घोटाला हुआ है। नीतीश कुमार ने मेवालाल चौधरी को उनके विधायक पक्ष से भी सस्पेंड कर दिया, लेकिन अब 2020 में जैसे ही वो जीत कर आए तो 16 नवंबर 2020 को नीतीश कुमार ने मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री पद की शपथ दिला दी। बस यहीं से विवाद शुरू हुआ, जो विपक्ष की पार्टियां आरजेडी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टियां सवाल खड़ा करने लगे कि एक शख्स जो भ्रष्टाचारी है उसके खिलाफ अभी मामला विचारणीय है, अभी वो मामला क्लियर नहीं हुआ है। 420 का मामला है, धोखाधड़ी का मामला है, उसको नीतीश कुमार ने कैसे क्या शिक्षा मंत्री बना दिया, और जो शख्स यूनिवर्सिटी ने भ्रष्टाचार का आरोपी है उसको शिक्षा मंत्री बनाकर नीतीश कुमार क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो आए और अपने ऊपर लगाए आरोप शिक्षा मंत्री बनाकर धो डाले। ये मैसेज जब लोगों में वायरल होना शुरू हुआ तो नीतीश कुमार हरकत में आए और तमाम पुलिस और कानून के जानकारों को बुलाया, उनसे बात की, शायद वो ये करके मेवालाल चौधरी को बताना चाहते थे। तो यही से सवाल शुरू हो जाते हैं कि कौन है वो शिक्षा मंत्री और क्यों ले लिया उनका इस्तीफा वापस। बिहार में 3 चरणों में चुनाव हुआ था। 10 नवंबर को चुनावी नतीजे आए, उसके बाद क्लियर हो पाया कि एनडीए 125 पर पहुंचकर जीत हासिल कर चुकी है। इसके अलावा 74 भारतीय जनता पार्टी की सीटें थी, 43 जेडीयू की सीटें थी, यानी कि जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई। जिस दिन नीतीश कुमार सीएम बने उन्होंने 14 मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण की, उन्हीं में से एक थे मेवालाल चौधरी। यही विवाद की जड़ है। कैसे विवाद की जड़ है यह हम आपको बताते हैं। मेवालाल चौधरी कुछ समय पहले भागलपुर में स्थित बिहार के कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति हुआ करते थे। उस समय वहां जो नियुक्तियां की गई थी उसमें घोटाले का आरोप मेवालाल चौधरी पर लगा।